हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ऑल इन वन फेस स्टीमर की। ये स्टीम करने के लिए यूज होता है, जैसे आपको कभी भी कोई कफ कोल्ड होता है या फिर कोई नेचुरल थेरेपी करनी है, एंड मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं इसके, मल्टीपर्पज है। तो उसके स्टीम करने के लिए बेसिकली ये डिवाइस आता है आपका। ये मैंने अमेजन से परचेज किया था, अराउंड 400 के आसपास मुझे पड़ा था। एंड इसमें ये मल्टीपल एक्सेसरीज आते हैं, बॉक्स है इसका। मैं अराउंड 1 साल 6 महीने यूज करने, करीब करीब 1.5 साल यूज करने के बाद इसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको एंड बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें एक ये पार्ट आता है, ये बेसिकली ये मेन यूनिट कह सकते हैं आप इसे। इसमें आप वाटर फिल कर सकते हैं, मल्टीपल यूज की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्क भी पड़ गया है पानी का, क्योंकि आप इसमें पानी के साथ अजवाइन या फिर कोई आयुर्वेदिक ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो सब आप इसमें डाल के पानी के साथ मिक्स करके इसे यूज कर सकते हैं स्टीम के लिए। तो मेन यूनिट है, इसमें आप यहां से वाटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें वाटर फिल करने के बाद ये सिंपल प्लग है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई स्पेशल सॉकेट में लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। 240 वोल्ट जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस सॉकेट में लगा सकते हैं। आप इसको प्लग करेंगे इसमें पानी भरने के बाद, तो इसमें स्टीम बनने लगेगी कुछ ही सेकेंड्स में। ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा, एंड काफी ज्यादा हीट होती है इसके अंदर, जो स्टीम के अंदर होती है। तो आप थोड़ा ध्यान से यूज कीजिए इसे, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा स्किन बर्न हो जाए या फिर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। सो थोड़ा ध्यान रखिए जब आप इसे यूज करते हैं। तो आपको कितनी देर तक ऑन रखना है इसे, आपके लिए कौन सा टेम्परेचर परफेक्ट है उसका ध्यान रख सकते हैं आप। बीच बीच में प्लग लगा के स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ भी कर सकते हैं आप, सो दैट ये टेम्परेचर काफी ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो अब अगर आप देख सकते हैं इसमें एक ये अटैचमेंट है, इसको हम सिंपली इसके ऊपर रख के इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर जो ग्रूव्स है ऑलमोस्ट ये फेस जैसा ही है, यहां पर आप अपना फेस ऐसे रख सकते हैं सामने से एंड कंप्लीट फेस का जो स्टीम है वो ले सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड ये काफी इफेक्टिव है, मैं घर में रेगुलरली यूज करता हूँ, मेरी वाइफ भी यूज करती है। कभी कोल्ड वगैरह होता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है तब भी है। एंड ये सेकेंड पार्ट है, ये आप इसमें फेस इस तरह रख सकते हैं, यहां पर आपकी नोज आ जाएगी, जो अपर पार्ट देख रहे हैं यहां पर नोज आ जाएगी एंड यहां पर आपका माउथ आ जाएगा। तो आप फ्रंट से इस तरह से आप रख के इसको बेसिकली सिर्फ इनहेल एंड माउथ एंड नोज से इनहेल करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप। एंड ये कुछ एसेंशियल ऑयल वगैरह के लिए ये पार्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक इस पार्ट को स्पेशली मैंने यूज नहीं किया है, बट हाँ जब अगर स्टीम करने की बात आती है तो ये एंड कंप्लीट फेस के लिए ये दोनों पार्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल है। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, 1.5 साल से तो मैं ऑलरेडी यूज कर ही रहा हूँ। एंड कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं इसमें जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि हाँ मुझे मतलब रिस्क है कि कभी खराब हो सकता है, एंड वो सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं जो मुझे आया था इसके साथ, एंड ये मेक इन इंडिया है एंड ये मल्टीपल डिटेल्स दी गई है। बेसिकली जो डिटेल है वो मेन तो वही है कि आप विक्स वगैरह या फिर किसी भी ऐसी कोई दवाई, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई ऑयल, ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं मेन यूनिट के अंदर, वाटर के अंदर मिक्स करके, एंड आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये कोल्ड कफ या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम हो फेस वगैरह पर या फिर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, इन सब में ये काफी ज्यादा एफिशिएंट रहता है, काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। तो आप इन सब चीजों के लिए इसे यूज कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा अभी तक। एंड अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।